नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। इससे संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख रहे हैं, यानी कि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं हम लोग MPGK का। तो अभी तक हम लोग 10 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके, ये आपका 11वां टेस्ट है। ठीक, इससे पहले हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को चैप्टर बाई चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। तो 17 घंटे के करीब आपकी पूरे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास पड़ी हुई है। सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है, उसमें 17 घंटे की क्लास है, उसे जाकर देख लें, आपका पूरा मध्य प्रदेश कवर है उसमें। चलिए, तो 11वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? मालवा ताप विद्युत गृह किस जिले में है? मालवा ताप विद्युत गृह किस जिले में है? तो ये आपका खंडवा में है। कहाँ है? खंडवा में। क्वेश्चन नंबर एक में आपका ए है। ठीक है, दूसरा है आपका, निम्न में से विद्युत उत्पादन किस इकाई में है? निम्न में से विद्युत उत्पादन किस इकाई में है? तो ये आपका तावा परियोजना। क्वेश्चन दूसरे में आपका ए। तीसरा है हमारा क्वेश्चन, बेड़न कहाँ है? बेड़न आपका सिंगरौली में है। ठीक है, तीसरे में आपका ए। क्वेश्चन है हमारा चार, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ हैं? राज्य के, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ हैं? तो आपको पता होगा, इंदौर में। क्वेश्चन नंबर चार में आपका सी। पांच, वायु मास से बिजली उत्पन्न करने वाला राज्य का पहला गांव कौन सा है? वायु मास से बिजली उत्पन्न करने वाला मध्य प्रदेश राज्य का पहला जिला कौन सा है? तो ये आपका कसई बैतूल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन है आपका छठवा, क्या है? सूची एक को और सूची दो को सम्मिलित करना है। सूची एक में आपकी विद्युत परियोजना है और सूची दो में जिला या स्थान है जहाँ ये उपलब्ध है। अमरकंटक विद्युत परियोजना आपकी कहाँ है? सोहागपुर अनूपपुर में। चांदनी ये आपका नेपानगर बुरहानपुर। संजय गांधी बीर सिंहपुर उमरिया में। सतपुड़ा पातरखेड़ा बैतूल, यानी कि इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर छठवे में आपका क्या होगा? बी। सात क्वेश्चन, राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है? तो ये आपका कस्तूरबा इंदौर। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, साथ में आठ है हमारा, क्या है आठ क्वेश्चन? गांधी सागर जल विद्युत केंद्र का उत्पादन क्षमता कितनी है? गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? तो इसकी है 105 मेगावाट। आठ में क्या होगा आपका? ए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका नौ, मध्य प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1905 में मध्य प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, 1905 में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर है आपका 10, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपकी चंबल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है आपका 11, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना नेपा नगर में की गई थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है? डी आपका बिल्कुल सही है। बारह, बरगी परियोजना कहाँ स्थित है? ये आपकी जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है। क्वेश्चन 13, अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह किस क्षेत्र में स्थित है? अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह किस क्षेत्र में स्थित है? ये आपका सोहागपुर में स्थित है। कहाँ है? सोहागपुर में। फिर आपका 14 क्वेश्चन, 13 में आपका डी, 14 है, राज्य में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू किया गया? राज्य में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू किया गया? तो आपका वर्ष 1948 में। 14 में आपका ए, ठीक है। 15, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन कहाँ किया गया था? ग्वालियर। कहाँ? ग्वालियर में। 15 में क्या होगा आपका? डी। 16, पेंच ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? पेंच ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? तो यह आपका छिंदवाड़ा में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 16 में। ठीक है। 17, बीना ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? बीना ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? ये आपका सागर में है। ठीक है। 18, चांदनी ताप विद्युत ग्रह की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 17 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा 19, सिंगाजी तापीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? सिंगाजी तापीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? खंडवा में। 19 में आपका सी, 19 में क्या है? सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, राज्य में पहला बायो प्लांट किस जिले में लगाया गया था? राज्य में पहला बायो प्लांट किस जिले में लगाया गया था आपके? भोपाल में। 20 में आपका ए। 21, प्रदेश में नाना प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र किस नदी पर लगाया गया है? प्रदेश में राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र किस नदी पर लगाया गया है? तो यह नदी है आपकी चंबल। 21 में आपका डी। क्वेश्चन है 22, राज्य में ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? खंडवा में। 22 में क्या होगा आपका? ए। 23, सौर ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है, सौर ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है गणेशपुरा में। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या होगा? ए सही होगा। 24, बायोमास ऊर्जा की स्थापित क्षमता है, बायोमास ऊर्जा की स्थापित क्षमता है 44.34 मेगावाट। 34 में क्या होगा? 24 में आपका क्या होगा? डी। 25, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना आपकी 1982 में की गई थी। कब? 1982 में। 25 में आपका बी। ठीक। 26,
निम्न में से किस स्थान पर भूसी आधारित संयंत्र नहीं है? धार में आपका है, इंदौर में भी है, बालाघाट में भी है, लेकिन ग्वालियर में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपका क्या होगा? बी, 26 में बी होगा। 27, किसानों को स्थायी पंप कनेक्शन देने हेतु अनुदान योजना कब लागू की गई? तो ये आपकी 1 अप्रैल 2011 से लागू की गई। 27 में आपका ए, 27 में क्या होगा? ए, 1 अप्रैल 2011। 28, रिहंद जल विद्युत योजना किस स्थान पर निर्मित की गई? तो ये आपकी पीपरी। क्या है? पीपरी। 28 में आपका ए। तो चलिए, ये था आपका 11वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग 12वें टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है?